अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर होती ऐसे होंगे। गाइस आज जो है ना, ये सुल्तान के लिए हम खुरली बना रहे हैं। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस जगह हम खुरली बनाएंगे क्योंकि अचानक इसको ले गए हैं, अचानक हमें मिल गया था ये घोड़ा, तो इसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं था पहले का। पहले तो आर्जी तौर पे इसको ये वाली खुरली हमने इस्तेमाल की है, लेकिन किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि ये इसके लिए सही है, इसके लिए जो है ना वो हाइट वाली खुरली होनी चाहिए जिसके जिस पे ये जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होकर ये चारा खा सके। तो ये चारे के लिए हम बना रहे हैं। तकरीबन इसकी हाइट हम रखी है 3 से 3.5 फुट, 3.5 फुट जो है ना ये मैश हम आइडिया रख रहे हैं। अगर किसी दोस्त को पता हो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो ज़रूर बताएं, गाइड कीजिएगा, क्योंकि हमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस जगह पे जो है ना वो हम खुरली बनाएंगे। ये इसका रूम एमरजेंसी इसका खाली किया था, तो ये बाहर जो अंदर सामान पड़ा था ये बाहर हमने ढेर लगा दिया। एक्चुअली ये हमारा प्रेस रूम था, तो ये सारा रूम एमरजेंसी हमने खाली किया। ये सारी इसके लिए बाहर निकलने के लिए स्लोप बना रहे हैं ताकि इस पर पाँव ना फिसले। तो एमरजेंसी हमने ये रूम खाली किया था क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है सर्दियों के दिन, इसलिए इसको जो है ना वो एक सेफ़ जगह पे रखना ज़रूरी था। तो इसके लिए हम खुरली बनाएंगे। अगर किसी दोस्त को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि इसकी हाइट खुरली की कितनी होनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता सकता है, गाइड कर सकता है। Subscribe. ये दोस्तों फाइनल तैयार हो गई, अब बिल्कुल रेडी है। अब ये 4-5 दिन के बाद जो है ना वो खुश्क हो जाएगी, फिर इसके नीचे से शटरिंग खोल देंगे। ये शेल्फ डाल के बनाइए हवा में, नीचे से खाली है। ये बिल्कुल रेडी होगी अब इंशाल्लाह, 4-5 दिन तक जो है ना वो ये रेडी हो जाएगी। फिर इसको जो है ना चेक करेंगे, इसका साइज ठीक है, ज़्यादा ऊंची या ज़्यादा नीची तो नहीं। ज़बरदस्त बन गई।